नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का, कुछ नया सब्जेक्ट है ये, क्योंकि बहुत सारे डिमांड आते रहे हैं 12th के बच्चों का कि फिजिक्स को सर वीडियो डालिए बोल के। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 6 का, जो वर्मा सर हैं लेक्चरर हैं, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसको बताएंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है वह होने वाला है अति लघुत्तरी प्रश्न का, 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें जिसको आपको सॉल्व करना है, काफी सिलेक्टेड है। देखिएगा वर्मा सर, तो अध्याय 9 और 10 से कुछ प्रश्न है, 20 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न दूसरा है, कांच वायु जोड़े के लिए क्रांतिक कोण का मान कौन सी रंग के लिए अधिकतम होता है? इसका उत्तर है लाल रंग के लिए। प्रश्न तीसरा है, सूर्योदय के कुछ समय पूर्व सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरणें जो है हमारे नेत्र तक पहुंचती है, जिस वजह से हम सूर्योदय के कुछ समय पूर्व हम सूर्य को देख पाते हैं। प्रश्न चौथा है, जब प्रकाश सरल माध्यम से, सरल के जगह सघन पढ़िएगा, सघन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेग बढ़ जाता है। प्रश्न पांचवा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसको उत्तर होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। प्रश्न छह है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न सात है, हीरे का चमकना किस घटना से संबंधित है? हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। प्रश्न आठ, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो लेंस की फोकस दूरी बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। प्रश्न नौ, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है? लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। प्रश्न दस, पानी के अंदर बुलबुले किस लेंस के समान व्यवहार करती है? तो पानी के अंदर बुलबुले अवतल लेंस की तरह व्यवहार करती है। प्रश्न 11 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। प्रश्न 12 है, अनंत से जब वस्तु अभिसारी लेंस की फोकस की ओर लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे हो जाता है? अनंत से वस्तु को अभिसारी लेंस की फोकस की ओर लाया जाता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। प्रश्न 13 है, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होता है? धूप के चश्मे की क्षमता शून्य होता है। प्रश्न 14 है, मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 15 है, यदि यंग द्विस्लिट प्रयोग को वायु के स्थान पर जल में किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वायु के स्थान पर जल में किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगा। एक लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न है, यदि लेंस को उलट दें तो क्या प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। लेंस निर्माता सूत्र से R1 और R2 का मान हम बदलेंगे तो फोकस का मान वही आएगा, जिससे प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलेगी। प्रश्न 17 है, जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है जल के भीतर वायु का बुलबुला। प्रश्न 18 है, लेंस को पानी में डुबोने पर उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेंस को पानी में डुबाने पर उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? फोकस दूरी बढ़ जाता है। 19 है, प्रश्न 19 है, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में क्या संबंध है? तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के या अपान के, जहां माध्यम का अपवर्तनांक होता है म्यू और वास्तविक गहराई होता है एच और आभासी गहराई होता है एच डेस। प्रश्न 20 है, हीरे
चमकदार दिखाई देते हैं क्यों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकदार दिखाई देते हैं।